भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की खान व उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद बतौर मुख्यमंत्री उन पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल उनकी बेहद करीबी अफसरों में शामिल रही। अब पूजा सिंघल के ठिकानों से मिले हड़कंप मचाने वाले गोपनीय दस्तावेजों में करोड़ों रुपए के लेन देन में बड़े बड़े सफेद पोशों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के लिए पूजा सिंघल प्रकरण कम मुश्किलें बढ़ाने वाली नहीं है। जिस तरह मनरेगा घोटाले से शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय की जांच राज्य के खान विभाग तक पहुंची है, उससे संभव है कि अगले कुछ दिनों में झारखंड में करीब 4000 करोड़ के अवैध खनन के काले कारोबार का पर्दाफाश हो जाए। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार आदि ने अब तक की पूछताछ में भ्रष्टाचार के रुपए नीचे से लेकर ऊपर तक अफसर और सफेद पोशों तक पहुंचाने की पुष्टि की है। ईडी अब पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने में जुटी है। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा के अब तक गिरफ्तार नहीं होने और सरकारी गवाह बनने की अपुष्ट खबर भी हेमंत सोरेन और सरकार की बेचैनी बढ़ाने वाली है। अभिषेक झा को काला धन का बड़ा निवेशक बताया गया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट को बेहद सनसनीखेज दस्तावेज सौंपे हैं। हाईकोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के क्रम में हेमंत सोरेन के राजधर्म पर सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री की बात छोड़ भी दे तो एक विभागीय मंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का अपने नाम पर खदान लेकर विभाग से उपकृत होना क्या ये पद का दुरुपयोग मिसयूज ऑफ पोस्ट नहीं है। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि अगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A को अगर किनारे भी रख दे तो विभागीय मंत्री के तौर पर दोहरा लाभ लेने के इस मामले में वे क्या सफाई देंगे। ये बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।